बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरोल की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है। फिलहाल सीवान में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर निर्मित हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन पर हत्या और अपहरण सहित दर्जनों संगीन मामले में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मोहम्मद शहाबुद्दीन को साल 2018 में बिहार की सीवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। अब तिहाड़ जेल में बंद बाहुबली नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली है राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 6 घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दे दी है। बताते चले कि बिहार के इस बाहुबली के पिता की 19 सितंबर को मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पैरोल को लेकर प्रयास किया जा रहा था। इस बीच पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने की आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी। कोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन 30 दिनों के भीतर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 3 तारीख चुन सकेंगे। नियमों के अनुसार शहाबुद्दीन को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति होगी। इन 6 घंटों में यात्रा समय भी शामिल होगा। न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को किसी भी 3 दिन में 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी। साथ ही उक्त स्थान का सत्यापन करने के साथ राज्य पुलिस वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करेगी। याचिकाकर्ता इस दौरान अपनी मां, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर हत्या अपहरण सहित दर्जनों संगीन मामले में दर्ज FIR है। फिलहाल वो सीवान में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर हत्या करने के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सीवान के इस बाहुबली ने अपने घर जाने की मांग की थी, लेकिन कोरोना और ट्रेनों का परिचालन बंद होने के वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब सवाल ये उठता है कि पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाने वाले शहाबुद्दीन क्या अपनी माँ से मिल पाएंगे? जो भी होगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।